एक समुद्री जहाज है जो चीन से चला है और श्रीलंका पहुंचने वाला है। नाम है युआन वांग 5। और इस जहाज की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत भारत को होने लगी है। डर यह है कि इस जहाज के जरिए चीन भारत की जासूसी करेगा, और अगर चीन भारत की जासूसी करता है तो फिर वो भारत के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, इसे समझना मुश्किल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। श्रीलंका की हालत जितनी खराब है उसे ठीक करने की हर मुमकिन कोशिश भारत की ओर से भी हो रही है। भारत ने श्रीलंका को कर्ज भी दिया है, कई दूसरी चीजें जैसे कि मेडिकल सहायता और अनाज भी मुहैया करवाया है। भारत कोशिश कर रहा है कि पड़ोसी देश की तकलीफों को दूर किया जा सके, लेकिन पड़ोसी देश श्रीलंका है कि वो चीन के जहाज को अपने यहां बुला रहा है ताकि वो जहाज भारत की जासूसी कर सके। दरअसल चीन का जो जहाज है युआन वांग 5, वो एक जासूसी जहाज है। उसका काम ही है जासूसी करना। चीन इस शिप के जरिए सैटेलाइट, रॉकेट और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, यानी कि एक महादेश से दूसरे महादेश जैसे कि एशिया से यूरोप तक मार करने वाली मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल होता आया है। चीन के पास ऐसे कुल 7 ट्रैकिंग शिप हैं जिनके जरिए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में निगरानी रखता आया है। अमेरिकी रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट कहती है कि इस युआन वांग 5 शिप की देखरेख और इसके जरिए ट्रैकिंग की जिम्मेदारी चीन की सेना पीएलए की स्पेशल विंग स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स के पास है। पीएलए की ये स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स अंतरिक्ष, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए चीन की सेना के लिए थिएटर कमांड की तरह काम करती है। इस युआन वांग 5 शिप को चीन के ही जियांगनान शिपयार्ड में बनाया गया था और सितंबर 2007 से चीन की सेना इसका इस्तेमाल कर रही है। इस शिप की लंबाई करीब करीब 222 मीटर है जबकि चौड़ाई 25.2 मीटर है। चीन ने जब अपना लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का टेस्ट किया था तो इसी शिप के जरिए उसकी ट्रैकिंग की थी। तब से चीन ने इसका इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब फिर चीन ने इस शिप को समंदर में उतार दिया है। चीन ने 13 जुलाई को ही इस जहाज को अपने पोर्ट जियांगिन से रवाना किया था ताकि इसे 11 अगस्त तक श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट तक पहुंचाया जा सके। अब कहने को तो चीन ये कह रहा है कि युआन वांग 5 चीन के ही सैटेलाइटों को ट्रैक करेगा। चीन की ओर से ब्रिसल यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव श्रीलंका ने कहा है कि युआन वांग 5 11 अगस्त को हम्बनटोटा पहुंचेगा और 17 अगस्त तक हम्बनटोटा में ही रहेगा। आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि यह शिप हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम में चीन की सैटेलाइट्स की निगरानी करेगा और इसके लिए वो अगस्त से सितंबर के बीच उस पूरे इलाके में मौजूद रहेगा। लेकिन इस शिप की जो क्षमता है और चीन की जो फितरत है उससे साफ जाहिर है कि यह शिप चीन की सैटेलाइटों को ट्रैक नहीं करेगा बल्कि भारत की निगरानी करेगा। इस शिप पर करीब 400 लोग मौजूद हैं जो शिप से करीब 750 किलोमीटर दूर किसी भी चीज की निगरानी कर सकते हैं, बातें सुन सकते हैं। और अगर यह शिप श्रीलंका के हम्बनटोटा में खड़ा होता है तो फिर भारत के कई परमाणु संयंत्र जैसे कि कल्पक्कम और कुडनकुलम इसकी रेंज में होंगे। भारत के कई नेवल बेस जैसे कि केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक इसकी निगरानी के रेंज में आ जाएंगे। चांदीपुर में जो इसरो की लॉन्च रेंज है, खतरा तो उस पर भी है। कहने को तो श्रीलंका यह भी कह रहा है कि युआन वांग 5 के हम्बनटोटा आने से श्रीलंका को फायदा ही फायदा है, क्योंकि श्रीलंका को भी ऐसी तकनीक सीखने में मदद मिलेगी। लेकिन भारत समेत दुनिया भर के तमाम और देशों को परेशानी ये है कि अगर चीन का ऐसा खतरनाक शिप हम्बनटोटा पहुंचता है तो इसके जरिए चीन की नेवी हम्बनटोटा पर अपना जमावड़ा और बढ़ाएगी और सामरिक नजरिए से चीन की सेना का हम्बनटोटा पर जमा होना भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इसलिए युआन वांग भले ही चीन से श्रीलंका जा रहा है लेकिन उस पर नज़र भारत समेत अमेरिका, ताइवान, जापान और दूसरे और भी देशों ने बना रखी है, क्योंकि खतरा सबको है। हाँ, भारत के कई नेवल बेस और परमाणु संयंत्र हम्बनटोटा से निगरानी वाली रेंज में हैं तो इन्हें खतरा थोड़ा ज़्यादा है और यही भारत की चिंता भी है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।